हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। मैं हूँ शिफाली, मेरे चैनल का नाम है शिफाली सुपर वीडियो। और मैं यहाँ पे डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको मेरा डेली रूटीन अच्छा लगता है, लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह आरू के नाश्ते के लिए आटा लगा रही हूँ, और उसको गर्मा गर्म एक पराठा बना के देती हूँ, और वो खा कर तो ऐसे जाती नहीं, तो एक केला नहीं तो फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे देती खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं जब रोटी बना रही थी, तो मेरे बगीचे में ना दो जोड़ा आया हुआ था, एक पक्षी, जो मैं पता नहीं वो कौन सा पक्षी, बहुत बड़ा बड़ा टाइप का था। तो मैं बाहर से नहीं जाके शूट कर रही हूँ, क्योंकि वो उड़ जाते। और यहाँ पे दोनों ना बड़े आराम से, यहाँ पे छोटा छोटा कीड़ा होता है ना मिट्टी में, वो निकाल के खा रहे थे, एक इस साइड था एक इस साइड था, तो उसको शूट करी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाई हूँ आज सोयाबीन चना आलू का सब्ज़ी, क्योंकि फ्राइडे को आलू का सोयाबीन रहता है। तो एज अ रूटीन होता है इन लोग का कि लंच आपको क्या लाना है, तो डेली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ रहता है। तो यहाँ पे सोयाबीन का सब्ज़ी बनाई हूँ। यहाँ पे मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई हूँ, इसलिए मैं ये टपरवेयर में डाल रही हूँ, नहीं तो ऐसे ड्राई या भुजिया कुछ देती हूँ तो वो जो टिफ़िन के साथ आता है प्लास्टिक में वो देती हूँ, नहीं तो ऐसे उसमें लीक कर जाता है ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो इसमें देख के बस इसमें एक फ्रूट्स डाल दूँगी, और चपाती जो बनाऊँगी गर्मा गर्म वो दे दूँगी। बस उसको देने के बाद मेरा लंच हो जाएगा रेडी। तो बस अब उसको जाने का टाइम हो गया है, उसका रेडी हो गया, वो चली गई। और उसके बाद मैं थोड़ा सा फेस मेरा बहुत डल लग रहा था, बहुत सन टैन हो गया था, क्योंकि सर्दी में मैं बहुत ज़्यादा बाहर बैठ गई थी, ना चाहते हुए भी मेरे कदम अपने आप बढ़ जाते थे, धूप में बैठती थी, तो काफ़ी स्किन मेरा ये हो गया है। तो इसके लिए मैं ना एक रेमेडी देखी थी यूट्यूब पे, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। आप बताना आपको कोई फ़र्क दिखा है या नहीं, मुझे तो थोड़ा सा दिखा। अगर आपको दिखे आप बताओगे तो मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी मैं क्या यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ, बट हाँ, आप इसे रेगुलर करेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके स्किन के लिए। तो आप बताना, मैं आपको दिखाऊंगी आगे फ़र्क एज अ पिक्चर में। तो बस नेक एरिया को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उसको भी मैं अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सन टैन होने की वजह से अजीब सा लग रहा था फेस मेरा। तो बस यहाँ पे ये ड्राई हो गया, 50 मिनट्स के बाद बिल्कुल ड्राई हो गया। मैं इसको वॉश करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कोई फ़र्क दिखता है कि नहीं आपको। तो मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं फेस का सिर्फ वॉश करी थी, नेक का मैं नहाते वक्त अच्छे से वॉश करूँगी, नहीं तो मेरा पूरा कपड़ा गीला हो जाता। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आपको अगर दिखता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग में ना आपके साथ मैं इसका रेमेडी शेयर करूँगी मैं क्या यूज़ करी थी। इसके बाद मैं फटाफट से नहाऊँगी, फिर आज फ्राइडे है, पूजा भी करना है, और पूजा करके मुझे खाना भी बनाना है दोपहर का। तो बस मैं नहा धो के आ गई हूँ, और मेरी मेड कर रही थी किचन में काम, तो मैं सोची चलो ये हरा चना जो अनुपला के दिए हैं इसको निकाल लेती हूँ, तो शाम में इसका मैं ना झालमुड़ी बना के खाऊँगी। ऐसे आलू को बहुत पसंद है, तो उसको सिंपल देती हूँ, और मैं ना प्याज टमाटर नींबू ये सब गाड़ के खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो सब करके फटाफट से, और फिर खाना वाना बना के हम लोग सब खाना खा लिए थे, और मैं शूट नहीं करी थी क्योंकि बहुत स्पेशल कुछ नहीं बनाई थी। बस उसके बाद मैं सो गई थी, एक आध घंटा बहुत नींद आता है दोपहर में, होता है क्या मैं सुबह में बिल्कुल उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं शाम दिखा रही हूँ, और ये बहुत ही मिनी व्लॉग है, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत शाम में ठीक नहीं था, डल हो गई थी थोड़ा सा, तो मैं नहीं शूट करी थी। तो यहाँ पे शाम में मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, अनूप नहीं पियेंगे तो उनको थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स दे रही हूँ, और साथ में ये चना वाला जो मैं उसमें छील रही थी, इसमें मैं प्याज टमाटर ये सब काट के रख दी हूँ। अब हम लोग खाएँगे और आप लोग इन्जॉय कीजिए। Thank you.
पे शाम के कपड़े जब मैं शाम दिखाई थी तो बाहर से लाके यहाँ पे चौकी पे रख दी थी। अब इसको मैं अपने रूम में ले जाऊँगी और सबको तह लगाऊँगी। पहले से भी बहुत सारा कपड़ा धोया था मैंने, आपने देखा ही होगा, मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर करी थी। उन्हीं जो भी कपड़े थे मेरे वो सारे मैं धो दी हूँ, क्योंकि अब ना थोड़ा गर्मी जैसा लग रहा है। और होली से पहले मेरे को सारा कंबल, जितना भी ऊल वाला क्लॉथ है, सारा को मैं रख दूँगी अपने कवर्ड में। और जो मैं कुछ रखती हूँ दीवान के अंदर, उन सबको मैं वहाँ रख दूँगी। यहाँ पे हम लोग खाए थे सो बर्तन मैं नहीं हटाई थी, तो उसको हटा रही हूँ। और ये देखिए कपड़ा आपको दिख रहा होगा, पहाड़ जैसा हो गया है। बस सबको फटाफट तह लगाऊंगी, सबके जगह पे सबको रख दूंगी। इस रूम में तो मेरा रहता नहीं है कपड़ा, इस रूम में तो अनुप का आरव का रहता है, मेरा तो मेरे रूम में ही रहता है। तो फटाफट से सबको रख दूंगी। और जितने भी ऊन वाले कपड़े हैं ना, वो सबको मैं अलग से कल फेनाइल का गोली जो होता है उसमें डाल के रख दूंगी। तो चलिए पहले फटाफट से ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो सारे कपड़े रख चुकी हूँ और ख़ुद के कपड़े मैं अपने रूम में रखने जा रही हूँ। और यहीं पे मैं अपना व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, कल मिलती हूँ, बाय बाय।